कैसा लगा इंडिया का ओवरऑल टूर, किस तरह लोग कैसे लगे सब कुछ, हिंको में जरा बता। आई विश कि मैं दोबारा इंडिया जुला घूमा फिरा उठा दे लोग दिखा और पहले की तरह एंजॉय करा। अभी देखे हैं तो कैसे लगे लोग उनका थोड़ा भाई? अभी तो इंडिया चांद पे, सॉरी हिंको में, हिंको में होन तो इंडिया चंद आता है होन तो आई विश कि मैं दोबारा जुला, लेकिन काश के वीजा मिलना आसान होता और मैं जुलती। अगर आसान होता ना तो मैं रोज सुबह शाम अच्छा। और रिश्तेदार भी बहुत है नसंद है माशाल्लाह। सही तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ हैं किरण शहजादी। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अच्छा कश्मीर से हैं तो कहाँ में, कश्मीर में कहाँ से, कौन से? मैं आज़ाद कश्मीर नीलम वैली से हूँ। नीलम वैली, तो नीलम वैली भाई क्या ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया गई थी, तो इंडिया आप कब गई थी? 6 साल पहले गए थे हम इंडिया। अच्छा, 6 साल। और अकेले जाना हुआ या किसी? नहीं नहीं, फैमिली के साथ गए थे। अच्छा, तो कहाँ गए थे इंडिया में, कौन सी जगह? इंडिया में एक जगह है पुणे। अच्छा, पुणे बोलते हैं उसको, वहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे मिलने गए थे हम। सही, मतलब महाराष्ट्र में भाई, तो मुंबई के बाद एक बड़ा शहर है वहाँ का पुणे। अच्छा ये बताएं कि जर्नी के बारे में थोड़ा सा, वैसे तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमारी सीरीज के वाले से कि यार आप रिपीटिव ज़्यादा सवाल करते हो, ये वो कहाँ गए ये, लेकिन थोड़ा सा फिर भी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से किस तरह आपका सफ़र रहा। जी बिल्कुल, यहाँ से हम लाहौर गए और लाहौर से वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ से हमने टैक्सी की, उसके बाद अमृतसर गए हम। अच्छा, अमृतसर। जी अमृतसर से फिर हमें जाना था, दिल्ली जाना था। अच्छा, और फिर हम वहाँ से बस में गए। अच्छा, अमृतसर से दिल्ली गए बस। जी जी जी, बस में। अमृतसर शहर देखा नहीं, देखा आपने, कैसा लगा? जी ज़्यादा तो नहीं देख पाए। अच्छा, क्योंकि हमारा ट्रेवल कर रहे थे, बस में ही थे, सो ज़्यादा कुछ इधर उधर देख तो नहीं पाए हम लोग। लेकिन तो वहाँ से फिर आगे अमृतसर से दिल्ली, तो वो रास्ते में सफ़र कैसा रहा, बस में सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, कुछ सफ़र तो हमने सो के गुजारा। अच्छा, और अच्छा सफ़र था। रास्ते में एक जगह ढाबे पे बस रुकी, हमने वहाँ आलू के पराठे खाए और चाय पी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, अभी तक मिस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ पंजाब के तो वैसे भी ढाबे बड़े फेमस है, अक्सर हम जो है व्लॉग्स में भी देखते हैं, लोग जो है डिफरेंट जो है दिखाते हैं प्लेसेस। तो अच्छा, उसके बाद दिल्ली शहर कैसा लगा आपको, आप दिल्ली जब गई? दिल्ली बहुत अच्छा शहर था माशाल्लाह से, लेकिन ज़्यादा हमने इधर उधर नहीं देखा क्योंकि हमने आगे सफ़र करना था ट्रेन में, सो नहीं देख पाया इधर उधर कुछ। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आपको पुणे पहुंचना था? जी जी बिल्कुल, और ज़्यादा उधर अलाउ भी नहीं होता ना। अच्छा, तो ट्रेन में आपका सफ़र था? जी जी बिल्कुल। कैसे स्टेशन वगैरह देखा वहाँ का, कैसा लगा दिल्ली का जो स्टेशन था? जी स्टेशन बहुत अच्छा था, वहाँ गोवा एक्सप्रेस एक ट्रेन है। अच्छा, उसमें हमने ट्रेवल किया। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और जो हमारे साथ के मुसाफिर थे उनको जब पता चला हम पाकिस्तान से हैं, माशाल्लाह से उन्होंने अपना खाना शेयर किया, हमें बहुत मोहब्बत की और बहुत मोहब्बत मिली। अब दिल चाहता है कि बार बार जाएँ। अच्छा, लेकिन मुश्किल होती है यहाँ से वहाँ जाने में, वीज़ा ज़ाहिर है मिलना इतना आसान नहीं है। और आपके तो आप लकी के रिलेटिव्स थे तो वीज़ा मिल गया, लेकिन जिनके रिलेटिव्स नहीं है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम जो है एक्सपीरियंस सुन के भी खुश हो जाते हैं कि यार जिनसे भी हम इंटरव्यू करते हैं। पुणे कैसा लगा, पुणे शहर के बारे में बताएं ज़रा? पुणे बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत शहर था माशाल्लाह से, और वहाँ के लोग मैक्सिमम जो लोग थे वो मराठी जुबान वो बोल रहे थे। अच्छा, जी जी, समझना थोड़ी मुश्किल थी लेकिन कुछ कुछ समझ आ रही थी। हिंदी समझना तो इजी है, लेकिन मराठी थोड़ा वो डिफरेंट था हमारे लिए, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से हमने। आपके रिलेटिव्स को तो आती होगी मराठी, जाहिर है वहाँ? जी जी, वो तो वहाँ रहते हैं, उनको तो बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से। तो और मार्केट्स वगैरह जाना हुआ वहाँ पे? जी बहुत सी जगह घूमे, एक बहुत फेमस जगह है, आपको आपने शायद देखा हुआ किसी मूवी में, शनिवार वाड़ा उसका नाम है। अच्छा, एक मूवी में भी आया था। अच्छा, नहीं मुझे वहाँ, इसका आइडिया नहीं है। वहाँ गए, और इसके बाद एक और फेमस जगह है आगा खान। अच्छा जी, अच्छा आगा खान क्या चीज़ है? आगा खान म्यूजियम है एक। अच्छा जी जी, अच्छा। बहुत अच्छा था वो वहाँ बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ देखा, मतलब अच्छा। हर चीज़ वहाँ हमारे लिए डिफरेंट थी, न्यू था सब कुछ,
माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, और आज तक हम वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कहेंगे उसके अलावा मार्केट्स वगैरह विजिट, क्योंकि लेडीज़ का भाई जब तक शॉपिंग ना हो। बिल्कुल, तो आज कोशिश करूँगा इंटरप्ट ज़्यादा नहीं करो, अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा ना। तो शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग हमने वहाँ एक शिवाजी मार्केट है। अच्छा, वहाँ की ज्वेलरी की और ड्रेसेस की तो क्या ही बात है माशाल्लाह से। अच्छा, वहाँ शॉपिंग की भी या विंडो शॉपिंग खाली? क्यों शॉपिंग, जाहिर सी बात है। अच्छा, इतनी दूर से बंदा कहीं जाए शॉपिंग तो करता है। शॉपिंग की हमने वहाँ, इंडियन साड़ियाँ ली। अच्छा, इंडियन साड़ियाँ बहुत पसंद है। साड़ी कहाँ पहनती है? हमारे पहनते हैं, हमारे अलावा। अच्छा, हाँ हमारी फैमिलीज में पहनते हैं सब। अच्छा, और फिर एक और लक्ष्मी मार्केट थी। अच्छा, वहाँ की ज्वेलरी की तो क्या बात है माशाल्लाह से। वहाँ से हमने बहुत सी ज्वेलरी ली और बहुत शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। हाँ, एक याद आया, वहाँ एक शॉप पे हम लोग गए तो वहाँ एक आदमी थे, वो सिंधी में कुछ बात कर रहे थे। क्योंकि हाँ हाँ, अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि सिंधी बोल रहे हैं? सिंधी भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे कितने लोग यहाँ सिंधी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो वो बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे सिंधी में। सिंधी में बात कर रहे थे? नहीं नहीं, कॉल पे किसी से सिंधी से बात कर। अच्छा, हम लोग उनकी शॉप पे गए। अच्छा, तो उन्होंने किसी को कॉल की, सिंधी में बात कर रहे हैं। हमने पूछा, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे थे, हमने सोचा शायद यहाँ कुछ ऐसी लैंग्वेज है। अच्छा, तो हमने पूछ लिया, उन्होंने बोला कि हम सिंधी में बात कर रहा था। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी, वहाँ एक खातून आ गई और उनके साथ। अच्छा, एक बच्चा था। खातून मतलब लेडीज, अब लोग बोले खातून, इंडिया में महिला, महिला। अच्छा, हाँ वो आ गई और उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। वो भी पाकिस्तान से थी। अच्छा, उनकी जो रिलेटिव्स हैं वो भी इसी तरह पाकिस्तान से थे। अच्छा, पाकिस्तान मतलब वो माइग्रेट करके वहाँ। जी जी जी, पार्टीशन के हिसाब से जो है उनकी जो खानदान है वो सारे पाकिस्तान, इधर सिंध में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने अच्छा, बताया था। अच्छा, तो वो सब सिंधी हैं। उन्हें जब पता चला कि हम पाकिस्तान से आए, वो इतनी खुश हुई, उन्होंने चाय वगैरह पिलाई हमें। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने घर पर हमें इन्वाइट किया, हम गए उनके घर पर। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी हमारी वेलकम की, और आते वक्त हमें बहुत से गिफ्ट्स दिए उन्होंने। अच्छा, और इतनी रिस्पेक्ट की कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से गए हुए हैं। इतना वो खुश हो रही थी कि भाई हमारे पाकिस्तान से कोई आया है। अच्छा, और बहुत रिस्पेक्ट की। अभी इंशाल्लाह हो सकता है वो भी आए पाकिस्तान। अच्छा, विजिट करेंगे। जी जी, हमें ज़रूर बताइएगा, अगर जब भी फैमिली आएगी हम ज़रूर उनको वेलकम भी करेंगे और उनको ज़रूर जो है हम घुमाएंगे। आप तो ज़ाहिर है वैसे ही घुमाएंगे, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, तो फैमिली ने खाने वाने भी खिलाए मतलब वहाँ पे? जी जी, खाना खाया हमने। अच्छा, फिर उन्होंने हमें कुछ फेमस जगह थी वो भी हमारे साथ गए। अच्छा अच्छा, और बहुत घूमे फिर, इन्जॉय किया। लेकिन उन्होंने जो हमसे मोहब्बत की, जो हमें वहाँ से प्यार मिला, आज तक हम नहीं भूल पाए माशाल्लाह से। नहीं पाए, और अभी बात होती है उनसे? नहीं, जी जी, अभी उनसे बातचीत होती है, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, मुझे कैसे बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले फिर हमें ज़रूर बताइएगा। तो भाई ये भी बड़ी बात है, और ये हमेशा सुनने को मुझे मिलता है। मैं किसी भी पाकिस्तानी से जब भी पूछा है, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि यार किसी ने वहाँ हमें देख के कोई गलत रिएक्शन दिया हो या गुस्सा किया हो। आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी क्यों आए हो यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिसको वहाँ पता चल रहा था कि हम पाकिस्तान से हैं, उन्होंने बहुत मोहब्बत दिखाई, बहुत प्यार किया, हमें गिफ्ट्स दिए, बहुत से तोहफे दिए उन्होंने। अच्छा, हमें आपके रिलेटिव्स भी ज़ाहिर मुस्लिम ही हैं, ज़ाहिर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, और भी वहाँ पे मुसलमान लोग भी रहते हैं, तो उनकी लाइफ कैसी है? वो अच्छे से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसा आपको लगता है कि वहाँ मुस्लिम्स की लाइफ भी अच्छी जा रही है? जैसे हम सुनते हैं ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे हैं माशाल्लाह, खुश हैं वहाँ। उनकी अपनी अपनी मस्जिद है, वहाँ जाते हैं, अपनी इबादत करते हैं, कोई नहीं रोकता, इतना अच्छा है। जो रिलीजन जिसका है वो उसी हिसाब से वहाँ जा रहे हैं। सही है, अभी जो हिंदू हैं वो जा रहे हैं मंदिर में, मुसलमान भी जाते हैं मंदिर में, हम भी गए थे। अच्छा, हाँ एक दो मंदिर हमने विजिट किए और बहुत अच्छा लगा। सही सही, ज़बरदस्त। तो भाई वही है कि अब ये स्टोरी शेयर करने का भी बेसिकली हमारा मकसद ये था कि आप लोग के साथ जो है लोगों का बताएं, क्योंकि जो प्यार उनको मिलता है, और पाकिस्तान में भी अभी जैसे रिसेंट मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे एक मतलब ऑनलाइन ही उनसे ज़ाहिर हलवाई हुई थी, एक ब्लॉगर है काफ़ी वहाँ के फेमस जो है आंध्र प्रदेश के, रवि प्रभु। हम यहाँ आए तो हम स्टेशन उनको लेने गए, हमारी पूरी टीम गई, उनका वेलकम किया, जहाँ जहाँ हम घुमा सकते थे। तो इसका मेन मकसद ये है कि यार देखो, आम बंदा, आम लोग जो है एक दूसरे से जो है
अच्छे तरह से मतलब बात भी करते हैं। मैं दुबई में रहा हूँ तो मेरे वहाँ भी इंडियन फ्रेंड्स वगैरह थे। तो बेसिकली ये बताने का या जो स्टोरीज जो शेयर करने का एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मकसद होता है कि यार जो हॉस्पिटैलिटी मिली है वो आप लोग के साथ भी शेयर हो और आप लोग को हम बताएं कि यार वाकई जो हमें प्यार मिला है और यहाँ आप लोग भी जो आते हैं जो आए हैं या जो आएंगे आगे तो ज़रूर हम उनको भी वेलकम करेंगे। और वैसे नहीं तो कई अभी भी व्लॉगर्स अगर पाकिस्तान में वैसे नहीं आ पाते तो एटलीस्ट जो है करतारपुर ज़रूर आते हैं और करतारपुर के आपके व्लॉग्स उनके देखें तो किसी भी व्लॉगर ने ये नहीं बोला होगा कि यार पाकिस्तानियों ने हमारे से तो बदतमीज़ी की या कुछ इस तरह बिहेव किया या क्या किया। खाने वगैरह की बात जो है वो तो भाई ज़रूरी होती है, तो खाने के बारे में बताएं कि वहाँ क्या क्या खाने आपने खाए। खाना तो बहुत कुछ खाया है खाने में, जाहिर सी बात है, लेकिन वहाँ का फेमस पानी पूरी, मिसर पूरी ये वहाँ के फेमस है। अच्छा, मिसल पाव एक होता है, सॉरी मिसल पाव पूरी कहेंगी, और वड़ा पाव भी होता है जो वड़ा पाव और मिसल पाव। तो यहाँ पाकिस्तान में भी एक हमने ट्राई किया लेकिन लोगों ने यही कमेंट किया कि यार ये एज इट इज वैसा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा क्या खाना है? और इसके अलावा वहाँ एक गुड लक कैफे है। अच्छा, उस पे ये ब्रेड जो होती है इसको ब्रेड में मक्खन उसको लगाते हैं और लगा के देते हैं, उसको कहते हैं बन, मस्का बन हम एक तो कहते हैं। हाँ, बंद मस्का कहते हैं वहाँ, यहाँ तो हम मस्का बन कहते हैं वो जो ब्रेड बंद मस्का कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बंद मस्का। अच्छा, बंद मस्का। अच्छा, सही मतलब अच्छा लगा वहाँ का खाना। बहुत ज़्यादा सही। और भी बहुत से खाने थे लेकिन फेमस ही है जो हमारी आवाम भी जानती है। काफ़ी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन ये पाकिस्तानी फिर यूज़ तो नहीं है हम लोग क्योंकि रेगुलर हम इतनी चीज़ें नहीं खाते। एग्जैक्टली, इसलिए तो मतलब ये कि बिरयानी वगैरह को मिस तो नहीं किया वहाँ पे आपने? बहुत की है, कराची की बिरयानी मसालेदार। अच्छा, अच्छा सही। अच्छा, और ओवरऑल बताएं कि क्या इंडिया कितना आगे निकल चुका है, वहाँ के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी डेवलपमेंट आपको नज़र आई या क्या चीज़ें या जो हम सुनते हैं अक्सर लोग भी कहते, तो क्या कहेंगे आप? उस वक्त के हिसाब से बात करूँ, आज से छः साल पहले इतना आगे था माशाल्लाह, अभी तो चांद पे पहुँच गया इंडिया। और उस वक्त वहाँ हर तरफ रोड साफ सुथरे। मैंने एक चीज़ वहाँ नोट की कि वहाँ की जो आवाम है ना, हर बंदा अपने काम से काम रखता है। हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है एक बंदा कमाएगा और पूरी फैमिली खाएगी, वहाँ ये सीन नहीं है। अच्छा, हर बंदा काम कर रहा है। अच्छा। और मतलब इस तरह से फैमिली भी सपोर्ट होती है, अच्छी बात है। फैमिली को सपोर्ट करना, बिल्कुल, हम जो मर्जी कर रहे हैं किसी को कोई कुछ नहीं है, सब अपने काम से काम रखते हैं। सही। और एजुकेशन भी मेरे ख्याल में एक बिल्कुल स्टडी के हिसाब से भी काफ़ी आगे चले गए इंडिया माशाल्लाह से। उस वक्त भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, छः साल पहले अगर तो हाँ अगर इतना थे तो अभी तो माशाल्लाह से अभी तो चांद पे पहुँच गए हैं। चांद से भी मतलब आगे अब और ज़्यादा चीज़ें हो रही है वहाँ पे, और अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि यार तुम लोग पाकिस्तानी शायद जलते हो या क्या, तो भाई हमें खुशी है, हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमें नहीं खुशी होगी तो किसको होगी, हमारे पड़ोसी अच्छे। स्टार्टिंग में जैसे बात की थी भाई कश्मीर की, नीलम वैली से जो है इनका वैसे मतलब वहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करती हैं, इनको लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, तो क्या बताना चाहेंगे नीलम वैली के बारे में? नीलम वैली से मुझे याद आया, इंडिया में एक जगह है खंडाला। अच्छा, आपने सुना हो शायद नाम? जी बिल्कुल। वहाँ वो इतना खंडाला का बिल्कुल मैंने नहीं सुना। आती क्या खंडाला भाई, आमिर खान की फिल्म का, मैंने नहीं सुना। अच्छा, वो इतनी खूबसूरत जगह है, वो पहाड़ मैंने जब वहाँ देखा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कश्मीर में हूँ, और इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आई विश कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। तो अच्छा, ज़रा नीलम वैली के बारे में फिर बताएं, वहाँ तो वो तो आपको जगह अच्छी लगी, खंडाला तो अच्छा लगा, खंडाला से लोनावला भी है वो भी काफ़ी हम नाम सुनते हैं, और एक मलशेज घाट भी काफ़ी उसके मैं ब्लॉग भी अक्सर देखता हूँ। बहरहाल तो नीलम वैली के बारे में क्या बताएंगे, अक्सर हम वीडियोज़ देखते हैं यहाँ बीच में जो है दरिया बह रहा है, सामने वहाँ से भी लोग नज़र आ रहे थे, यहाँ से भी लोग, तो आपने ये नज़ारा देखा है? भाई क्यों नहीं देखा, वहीं पैदा हुए वहीं पले बड़े हम माशाल्लाह से। देखा बिल्कुल आपने ठीक देखा और ठीक सुना, एक दरिया का फ़र्क है, उस तरफ इंडिया है इस तरफ हम में, बस एक दरिया का ही हमारे दरमियान फासला और कुछ नहीं है। क्या कैसा व्यू नज़र आता है सामने से? बहुत खूबसूरत, आप देखेंगे एक जगह है उसका नाम है चिल्याना हम बोलते हैं, ठीक है, चेक पोस्ट है वहाँ। अच्छा। एक वहाँ से आप देखेंगे सामने आपको पूरा इंडिया दिखाई देगा, उनका एक मंदिर बना हुआ है, फ्लैग है इंडिया का, सब दिखाई देता है माशाल्लाह से वहाँ से।
आप देखेंगे उनका मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं ये सोने का बना है, कुछ कहते हैं पीतल का बना है, अब अल्लाह जाने किसका बना है ये तो हमें आइडिया नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो भी बस आप बताइएगा भाई इस मंदिर के बारे में जो ये कह रही हैं, उस मंदिर का नाम भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है बताइएगा। अच्छा तो मतलब ये हम वीडियोज़ अक्सर देख रहे होते हैं, सामने से भी लोग खड़े होते हैं, कुछ वेव कर रहे होते हैं, यहाँ से भी लोग देख रहे होते हैं, बिल्कुल मतलब आपने खुद पर्सनली ये चीज़ देखते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, इसकी थोड़ी सी बात करें, हिंद को आप ज़बान बोलते हैं? जी जी। तो हिंद को अक्सर मेरे एक फ्रेंड है जो कि उत्तराखंड से हैं, देहरादून से, तो कहते हैं हिंद को आप क्या जो बोली जाती इंडिया में भी बोलते हैं, कहते हैं यार पहाड़ी हमारे जबान उसको बोलते हैं, पहाड़ी कहते हैं, वैसा ही है थोड़ा सा। अच्छा आप लोग में जैसे मैं आपसे पूछ यार थोड़ा लास्ट में मैं इस चीज़ पे भी कर लेते, अगर किसी को बोले टॉपिक से हट गया, टॉपिक तो हमारा यहीं तक था, लास्ट में एक उनसे जो है कंक्लूजन हम करेंगे, पूछेंगे कि ओवरऑल कैसा टूर रहा, लेकिन थोड़ा सा हिंद को के बारे में पूछे तो यार हिंद को मैं जैसे आप किसी से पूछेंगी, मुझसे जैसे पूछेंगे आप कैसे हैं, तो क्या पूछेंगी, कैसे पूछेंगे? के हाल है? के हाल है? तो ये थोड़ा पंजाबी वाला टच हमें फील होता है, सराइकी वाला भी, क्या है? ऐसे ही है, ऐसा ही पंजाबी है। थोड़ा अच्छा, सा मैं कहूँगा कि मैं ठीक हूँ तो आप ठीक हैं? नहीं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, ये तो पंजाबी टाइप ही थोड़ा सा हुआ। हाँ, अच्छा थोड़ा बहुत। अच्छा और कहेंगे आज आपने क्या खाया तो कैसे पूछेंगे इनको मैं? के खादा है तुसा सुन, के खादा है तुसा सुन। अच्छा आप बड़े ना आपको कहते हैं, अगर आप छोटे थे तो मैं कहती के खादा है तो। अच्छा मैं आपसे थोड़ी देर के लिए चलो लास्ट में जो है हम हिंद को में ही पूछ लेते हैं सर, एक बार मैं हिंदी में पूछूंगा उर्दू में, कैसा लगा इंडिया का ओवरऑल टूर, किस तरह लोग कैसे लगे सब कुछ हिंद को में जरा बता। आई विश कि मैं दोबारा इंडिया जुला घूमा फिरा उठा दे लोग दिखा और पहले की तरह एंजॉय करा। देखे हैं तो कैसे लगे लोग उनका थोड़ा भाई? अभी तो इंडिया चांद पे, सॉरी हिंद को में ऑन तो इंडिया चंद आता है ऑन तो आई विश कि मैं दोबारा जुला, लेकिन काश के वीज़ा मिलना आसान होता और मैं जुलती। अगर आसान होता ना तो मैं रोज़ सुबह शाम और रिश्तेदार भी बहुत हैं नसंदे माशाल्लाह। सही, तो उम्मीद करते हैं कई लोग समझ गए, जो पहाड़ी समझते हैं अब वैसी है नहीं है, फ़र्क है क्या है? वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि इंडिया में भी लोग पहाड़ी हिंको ही बोलते हैं, मतलब कुछ लोग तो हैं जो हिंको भी समझते हैं, जैसे सराइकी के भी मैं उस दिन एक वीडियो देखी तो इंडिया में कुछ लोग सराइकी भी बहावलपुर से वहाँ माइग्रेट करके हमारे जो कम्युनिटी के भी, हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो कश्मीरी भी उनको आती है। अच्छा कश्मीरी अलग है? हाँ कश्मीरी अलग है, वो हमारे मेरे वाले सबको आती है, मुझे नहीं आती, हमने सीखी नहीं क्योंकि हम सिटीज वगैरह में पले बड़े, तो बेसिक भी नहीं आती है, हेलो हाय जो भी है नहीं, मुझे अच्छा, कुछ नहीं आता, समझ आ जाती है। हाँ समझ आ जाती है। तो फर्क है उसमें, काफी फर्क है, बहुत डिफरेंट है, वो मुश्किल है, अगर आप कश्मीरी सुनेंगे तो आसानी से समझ अच्छा, में नहीं आएगी। एक इस साइड हमारे पाकिस्तान के साइड का जो है कश्मीर का बंदा, वहाँ अगर जो है किसी कश्मीर के बंदे से मिलता है तो जबान सेम होगी, फर्क है? वहाँ के जो बेसिकल कश्मीरी है ना, जो वहाँ से हिजरत करके इधर आए पाकिस्तान में, वो ठीक कश्मीरी बोलते हैं। अच्छा। और हमारे जो पुराने जैसे हमारे दादा अबू बोलते थे कश्मीरी बोलते थे, इसी तरह हमारे वाले साहब को भी आती है तो वो उनसे बात करते हैं कश्मीरी में और वो सीखते हैं, मतलब उनको तो आती है, हमें नहीं समझ में आती, हमारे साथ वो हमारी लैंग्वेज उर्दू या फिर हिंदी में बात करते हैं, पहाड़ी जिसे कहते हैं ऐसे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और किरण शहजादी से हमने काफ़ी बातें की, ज़रूर आप लोगों को मज़ा आया होगा। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के एक भी बार? क्या ख्याल? क्यों जंग होनी चाहिए? हो जाए, मिलजुल के रहें अच्छा लगता है। देखिए हमारे दरमियान तो कुछ है नहीं, हम क्यों जंग करें, वो भी इंसान है हम भी, रिलीजन को लेके जो चीज़ें मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए, वो अपने रिलीजन के साथ खुश है, हम अपने रिलीजन के साथ खुश है, मुस्लिम भी तो है ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये नहीं कि रिलीजन, वहाँ हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं ऐसे, तो लेकिन जंग किस चीज़ की है फिर? हाँ नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि अक्सर कुछ कुछ वीडियोज में हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जो इतने ना पढ़े लिखे ना इतने कुछ होते हैं, रिएक्शन चैनल नहीं, वो जाहिलियत है जो लोग ये कहते हैं हम लड़े बातें कर रहे होते हैं, नहीं 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 उससे व्यूज अच्छे आ जाते, टीआरपी मिल जाती है उनको चैनल से, बट नहीं नहीं ये मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जाहिलियत है, ये लड़ना ये कुछ करना वरना ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, अमन अमान अच्छा है, खुश रहो, आओ जाओ, खाओ पियो, दैट्स इट। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसी तरह आपके लिए और भी स्टोरीज़ भी लाएंगे, व्लॉग्स भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, हमारे काफ़ी लोग व्लॉग्स को मिस करते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा से व्लॉग्स वगैरह भी हम करें और
कभी हम नीलम वैली भी जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर ये आप तो शायद पता नहीं हमें टाइम दे ना दे, लेकिन एटलीस्ट ये कि हमें जगह कुछ बताइए अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह विजिट कर सकें तो उनसे हम पूछ के जरूर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।